दोस्तों, स्पीडर मैच कवर करने वाले आईसीसी मेंस T20 का जो कि मैच खेला जाएगा बहरीन और सऊदी अरबिया के बीच मैच खेला जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा मैच है। सीरीज़ का ये थर्ड मैच है और मैं पूरा टूर्नामेंट कवर कर रहा हूँ, आपको पता होगा। काफ़ी अच्छा मैच है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो स्मॉल लीग भी खेल सकते हो, ग्रैली भी खेल सकते हो। इवन जो ग्रैली खेले उनके तो बहुत अच्छा मैच है। इसके बाद में ना इंडियन डोमेस्टिक के मैचेस भी कवर करने हैं, जो वुमेंस के हैं, तो सारे मैचेस मैं कवर करता हूँ। और आपको पता है मैक्सिमम मैचेस मैं ही कवर करता हूँ। तो एक काम कर सकते हो, आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको फाइनल टीम विनिंग टीम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग हमारा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर फाइनल टीम विनिंग टीम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है। हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं। देखो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे हमेशा नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर ही आएगा, और विनिंग टीम भी मिलती है और फ्री में टीम मिलती है, और सबसे बड़ी बात सबसे पहले टीम मिलती है और हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं। यानी एक बार ज्वाइन कर लोगे तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर से ज्वाइन करके देखना, एक बार ज्वाइन कर लोगे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले वाले लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप, पहले वाले लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना आप ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम चैनल। लिंक पे क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा, फिर ज्वाइन दबा के ज्वाइन कर लेंगे। तो फाइन टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे भी से आपको नंबर बढ़ते नजर आएंगे, तो जो से एक्टिव रहना है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेटा ही कवर अप करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी पता है मैंने जस्ट सारे मैचेस के वीडियो शूट करके रख रहा हूँ, ताकि लगातार आपको वीडियोस मिल जाए। अभी 4 घंटे बचे कि इसका फर्स्ट मैच का वीडियो मैं अपलोड नहीं किया हूँ, सेकंड मैच का वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन शूट करके रख रखा हूँ। बस एडिटिंग में, देखो जैसे एडिट कंप्लीट होगा मैं अपलोड कर दूँगा। देखो यहाँ पे ना बस प्रोसेसिंग में है, जैसे वो फिनिश होगा मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये मैच ना दोहा में खेला जाएगा, जहाँ पे ना फर्स्ट मैच खेला जाएगा, ध्यान से सुन जो चीज़ें बोल रहा हूँ, जहाँ पे फर्स्ट मैच सेकंड वाला बाद है, वो भी सेकंड में दोहा में, बट ये जो फर्स्ट मैच खेला जा रहा है ना वही ग्राउंड यूज़ किया जाएगा थर्ड मैच के लिए, समझे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गए, ये मैच दोहा में खेला जाएगा सेम ग्राउंड में। अगर हम बात करें सबसे पहले थर्ड पिच रिपोर्ट और बता देता हूँ, नहीं तो फिर लोग कमेंट करते थे। जैसे मैंने बोला था जहाँ पे फर्स्ट मैच खेला जा रहा है, सेकंड मैच वो दोहा में खेला जाएगा, बट वो यूनिवर्सिटी में खेला जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में खेला जाएगा, बट ये जो मैच है दोहा में खेला जाएगा, वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ पर ये आप फर्स्ट मैच खेला जा रहा है। आपको पता होगा इस ग्राउंड का जो वैसे बैलेंस ग्राउंड है, ठीक है, पिच बैलेंस है, लेकिन 140 का एवरेज है, 140 रन का इस ग्राउंड का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में। पिच रिपोर्ट तो सब बता देता हूँ, यहाँ पे मोस्टली स्पिनर्स का थोड़ा सा ज़्यादा बॉल वाला रहता है, तो स्पिनर्स को आप कवर करके चल सकते हो। ये सेम विकेट है, आप फर्स्ट मैच देख लेना जो नहीं है कतर और थाईलैंड का, सेम मैच देख लोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्राउंड कितना रन बन रहा है, कितना विकेट गिर रहा है, आपको पता चल जाएगा। वही ग्राउंड है यार, वेदर क्लियर है, 23-24 डिग्री के आसपास सेल्सियस है। सबसे पहले बहरीन की अगर हम बात करें लाइनअप से, तो अवेलेबल है AI जो कि टीम था से काफ़ी अच्छे प्लेयर, जैसे अहमद भी, नासिर भी अवेलेबल है, हैदर अली भट्ट जो कि कैप्टन से, अली दाऊद भी अवेलेबल, अब्दुल माजिद भी है, उमर तूर भी है, इमरान जावेद भी है, एम सलमान भी है, शहबाज बादर भी है, इमरान अली भट्ट भी है, इमरान खान भी है, तो काफ़ी सही लेटअप से। लेकिन सोहेल अहमद का नाम बेंच पर देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सोहेल अहमद ही टीम को संभाल सकता था। जुनीद अजीज भी बेंच पर, लो मोहम्मद रिजवान भट्ट को भी बेंच पर डाल रहे हैं, मतलब लिटरली लोग, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब देखो बेंच पे अगर ये बहरीन का जो लाइनअप से ना प्रोफाइल अगर वो गलत निकला तो मुझे बहुत सही लगेगा। अदर्स मोहम्मद रिजवान भट्ट के बिना और सोहेल अहमद के बिना ये लोग विन नहीं कर सकते, पहली बात तो आप समझ के चलिए ऑलरेडी बहरीन कमज़ोर थी और कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि खुद से तो मोहम्मद रिजवान भट्ट को कौन निकालता है यार, इतना अच्छा प्लेयर है सोहेल अहमद, इतना इन्फॉर्म प्लेयर है इनके पास, बताओ। एम आसिफ को भी बताओ, जुनीद अजीज जैसा प्लेयर भी निकाल दिया, जैसे जुनीद अजीज निकाल, बट सोहेल अहमद और मोहम्मद रिजवान भट्ट तो हमेशा खेलते थे। सऊदी अरबिया की हम बात करें तो अब्दुल गजनफर जो कि एविलेबल टीम से काफ़ी अच्छी टीम तरफ से, अब्दुल वाहिद गज या पे एविलेबल टीम तरफ से, साजिद चीमा जो कि कैप्टन, इस बार अब्दुल वाहिद को ना कैप्टनसी नहीं मिला यार, साजिद चीमा कैप्टनसी कर रहे हैं, उस्मान खालिद है, उस्मान राजीव है, अब्दुल वाहिद है, फैजल खान है, एस अहमद है, सिद्धार्थ शंकर है, उसके अलावा इस्तेक अहमद है, जुनीद अबिदीन अवेलेबल है, ए शलीम अवेलेबल है, तो काफ़ी सही लाइनअप से अगर आप देखोगे सऊदी अरबिया फेवरेट भी हो सकती है भाई, अगर आप देखोगे तो। वैसे बहरीन के जितने चांस थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी यार एंड बात करते हैं बाकी जो डेट्स होंगे टेलीग्राम पे जो से, तो टेलीग्राम पे जो से एक्टिव रहना, क्योंकि फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और जैसे टीम हम देंगे कोई नहीं देगा, इतना याद रखिएगा, और वो भी फ्री में तो कभी नहीं देगा, और सबसे पहले टीम मिलती है। देखो टेलीग्राम चाहे जो से ज्वाइन कर लेना, आपको फाइनल टीम आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, तो एक्टिव यूज से रहना। एंड अब बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डेटा ही कवर अप करेंगे, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं, इसके बाद ये वाला मैच के जाके वीडियो जोर से देख लेना। गिस बात कर विकेट कीपर से, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का ऑल पर सेट कर दो, जिससे
सब्सक्राइब यू से कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब यू से कर लेना भाई। बहुत मेहनत रहती है वीडियो शूट करने में, लगातार मैच ऐसे वीडियो शूट करें, हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो यूज़ लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब यू से कर लेना। अभी के लिए आप ए एल एक साथ जा सकते, जो कि टीम से ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, सिर्फ अवेलेबल भी है। देखो यार, कोई ऐसे मैच ऐसे नहीं कवर करता है, और मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली ग्रो, ताकि बहुत लोग खेले, बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब यू से कर लेना। जैसे मैं समझाता हूँ कोई नहीं समझाता है, ए एल एक साथ जाइए, एक अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, प्लस विकेट कीपिंग, एस बहादुर भी एक अच्छा पिक हो सकता है टीम में, अभी साइड देखते फिलहाल के लिए। उसके अलावा टीम तो से गफर अवेलेबल है, अब्दुल वाहिद को पिक कर लेते हैं, सोहेल अहमद, मीना, इनकी टीम जीत ही नहीं सकती भाई, बहरीन की टीम इनकी मन जीत भी नहीं सकती, तो इतने यहाँ तक पिक कर चलिएगा। चीमा को इस बार कैप्टनसी कर दी है, तो आप इनको पिक कर चलेगा। देखो अगर सोहेल अहमद के लिए ड्रॉप करें भाई, देखो अभी रिसेंटली सोहेल अहमद के जो मैचेस खेले जा रहे थे उसमें क्या था, बहरीन की टीम में सोहेल अहमद को सब ड्रॉप कर, बट मैंने एक भी टीम में ड्रॉप किया सोहेल अहमद को, हर मैच में आपको ड्रीम टीम में बंदा देखने को मिला हुआ, बंदा इन फॉर्म प्लेयर है, और इसके साथ कोई प्लेयर है भी नहीं फॉर्म में, फैशाल खान वगैरह सब ओपनर, सब गारंटी ट्राई कीजिएगा, ये सब बहुत अच्छे प्लेयर्स है, चीमा वगैरह, अब्दुल वाहिद, फैशाल, ये सब गई टीम ट्राई करके चलेगा। फिलहाल के लिए साइड रखते, बट मैं ट्राई करना प्रेफर करूँगा भाई, ग्रैली की टीम, ग्रैली खेलो, मैं ग्रैली टीम ना आपको टेलिया पे पोस्ट कर देता हूँ। देखो ग्रैली टीम आपको टेलिया पे पोस्ट करता हूँ ना, वो विनिंग टीम, जैसे टीम में देता हूँ कोई नहीं देता है, तो टेलिया आप चाहिए उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे टीम में दूंगा कोई नहीं प्रोवाइड कर, देखो है ना, ग्रैली टीम आपको प्रोवाइड करता हूँ, यूज़ इन ग्रैली, आपको लिख के भी दे देता हूँ, तो जो उसे एक्टिव रहना यहाँ पे। देखो आज बहुत रिस्की मैचेस आते हैं, फिर भी मैं कवर करके दे देता हूँ, तो जो उसे ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, ठीक है। वही तो साइड रखते हैं, ऑर्डर देखो, आई एम एद अवेलेबल है, ठीक है, हुसैन, ये सब पता है टॉप पे क्यों ड्रीम इलेवन दे देता है भाई, इमरान जामी, तनवर अवेलेबल है, हैदर अली भट्ट पिक कर लेते हैं, एस अहमद साइड रखते हैं, उमर खालिद साइड रखते हैं, चार ही पिक कर देता से। उसके अलावा एस कुमार, एस कुमार कहाँ से आ गया भाई, एस कुमार अवेलेबल है, पिक किया जा सकता है, तो वैसे अवेलेबल हो सकता है बंदा सचिन कुमार, बट ज़्यादातर मैच ऐसे नहीं खेलता है। अली दाऊद पिक कर लेते, मोहम्मद जान भट्ट पिक कर लेते, उमर नाजी पिक कर लेते, ए सलीम वगैरह, ए अब्बासी पिक हो सकते हो, नीचे देखो कोई खास नहीं, तो सचिन कुमार के साथ जा रहा हूँ। ये मेरी टीम है, लेकिन ये डेमो टीम है, बहुत चेंजेस की जरूरत है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में टीम क्रिएट करूँ, लेकिन मैं पर से बता रहा हूँ टीम में चेंजेस की एक्चुअल में जरूरत है। टीम परफेक्ट आपको अभी लग रहा होगा, बट ग्रैली वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त मैच है, पर से बता रहा हूँ, अगर आप इस वजह स्मॉल लीग अवॉइड करके आप ग्रैली खेलोगे ना, इजिली आप ग्रैली विन कर, तो कितने लोग ग्रैली खेल रहे हैं आप जो उसे कमेंट करना, ठीक है, जितने लोग भी ग्रैली खेल रहे हैं एक कमेंट जो से कर देना कि हम ग्रैली खेल रहे हैं, ताकि मैं ग्रैली की टीम भी प्रोवाइड करूँ, परफेक्ट टीम है। देखो ऐसी बात नहीं, बहरीन की टीम कमजोर है, बहरीन के पास पावर हीटर बंदे जबरदस्त है, बॉलिंग अटैक बेस्ट है, सऊदी अरेबिया भी एक अच्छी टीम है, बट फिर भी मुझे बहरीन थोड़ा फेवरेट लगता है। ग्रैली खेलो तो आप ए बासी को, ए सलीम को, उसके अलावा यहाँ पे अबिदीन को, ठीक है, आप अबिदीन को ट्राई कीजिए ग्रैली टीम में। कैप्टन से बात करें तो लोग किसके साथ जा रहे हैं उससे फ़र्क अपने को नहीं करता, अपना ट्राई करना बेस्ट, तो मैं अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर को ट्राई करना चाहूँगा जो कि मुझे बैटिंग बॉलिंग दोनों का दे। अब अपनी लिस्ट में कोई ऐसा प्लेयर है तो लोग आई एम एद के साथ जा रहे हैं, ठीक है आपको दे सकते हैं, बट मुझे तो हैदर अली भट्ट जितना पावर हिटर कोई होगा, क्योंकि हैदर अली भट्ट काफ़ी अच्छे स्पिनर भी और बॉलिंग में अच्छे स्पिनर, और इसी विकेट ग्राउंड में स्पिनर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, एज ए कैप्टन मैं हैदर अली भट्ट के साथ जाना चाहूँगा। वाइस कैप्टन इमरान जावेद अनवर के साथ जाइए, या फिर डब्ल्यू यहाँ पे उल हसन के साथ जा सकते हो, हसन आपको बॉलिंग सबसे बेस्ट करके देगा, आई एम एद भी ठीक है, बट किसके साथ जाए यार थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि लोग जिसको ट्राई करें, जिसको हम बोलते ना उनको लोग करेगा नहीं। चीमा को ग्रेटिव ट्राई कीजिएगा, अब्दुल वाहिद को ट्राई किया जा सकता है, उसके अलावा ठीक है ट्राई करना, फिर टीम में कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मैं पर्सनली तो ऐसा टीम से कॉम्बिनेशन जाना चाहता हूँ, बट फिलहाल के लिए आई एम एम के साथ अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ। देखो मेरे मुझे जो बेस्ट लगा है वही टीम क्रिएट किया हूँ, और थोड़ा सा रिस्की टीम लग रहा हो मेरा, बट मेरे नज़र में ये टीम कहीं से भी रिस्की नहीं है। आफ्टर टॉस इस टीम में चेंजेस की बहुत ज़रूरी, हो सकता है मैं विकेट कीपर को भी ड्रॉप कर दूँ, हो सकता है सचिन कुमार को भी ड्रॉप कर दूँ, हो सकता है, क्योंकि बहुत से मुझे चेंजेस की ज़रूरत है अभी, एकदम परफेक्ट टीम में क्रिएट किया अभी किस हिसाब से, मतलब एकदम जैसा टीम अभी क्रिएट करना चाहिए था, न्यूट्रल एकदम परफेक्ट टीम क्रिएट किया हूँ। ग्रैलिक वालों के लिए ज़्यादा अच्छा मैच है, प्लीज़ स्मॉलिंग मत खेलना, थोड़ा सा रिस्की मैच हो सकता है, कोशिश कीजिए कि ग्रैलिक ज़्यादा से ज़्यादा खेले, कोशिश करना, खेल टीम परफेक्ट है, मैं मिलता हूँ टेली यहाँ पे फाइव टीम के साथ, आप स्क्रीन शॉट ले लो, जस्ट आके टीम को इसी टीम का कॉन्टेंट बुक कर दो, ठीक है, इसी टीम के साथ सेम टीम कॉन्टेंट बुक कर दो, सेम टीम बुक करने जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट नॉर्मली रखिएगा, एकदम हैवी नहीं, एकदम नॉर्मली करके चलिएगा, बाकी टीम एकदम परफेक्ट क्रिएट किया, एकदम परफेक्ट है अभी के हिसाब से। कैप्टन हैदर अली भट्ट, मैं अपना सी वी सी मतलब कि अपना हमेशा स्किल यूज़ करके करता हूँ, एक्सपीरियंस यूज़ करके, आफ्टर टॉस चेंजेस करना हो तो देखेंगे, ग्रैली टीम में आपको टेलिया पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, तो एक्टिव रहना, मुझे बाकी मैचेस की वीडियो भी अपलोड करेंगे तो टेलिया पे जूस एक्टिव रहना, क्योंकि विनिंग टीम आपको यही भी मिलता है सबसे पहले, और कोई डाउट हो नीचे कमेंट में, सब्सक्राइब यूज़ करें, पूरा टूर्नामेंट कवर करेंगे।